Hey everyone, welcome back to another video of Scotch. तो आज शर्मा टॉक्स मतलब शर्मा जी का लड़का टॉक्स में एपिसोड 2 है यार. लास्ट 15 टू 18 डेज की स्ट्रेटेजी यार शर्मा जी टॉक्स में आज फिर से बात हो रही है. जतिन शर्मा फिर आएगा आपको बता के जाएगा क्या है. अलग अलग लोगों से बात होगी मतलब जिनके भी परसेंटेज 90, 80, 70, 60 जितनी भी स्ट्रेटेजी हो सकती है लास्ट के जो भी दिन है उसमें हम बात कर रहे होंगे. और पहले बता दे रहा मेरा नाम है अक्षित और आपको फिर से स्वागत करता हूँ यार स्कॉच की एक न्यू वीडियो में. ठीक है तो बेसिकली पूरी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे. चैनल को सब्सक्राइब करो यार क्योंकि ये प्लेलिस्ट आगे चल के और बड़ी होती जाएगी. तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर मतलब चैनल को क्या करोगे मतलब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना यार अच्छा लगा हो. तो सीधे चलते हैं इंट्रो के बाद शर्मा जी के पास. तो यहाँ पास अब ये जो वीडियो है खासकर उन बच्चों के लिए जो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मैं लास्ट 15 से 20 दिनों में क्या करना चाहिए है ना. तो कुछ बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आई हैं कि क्या लास्ट के 15 से 20 दिन बचे हैं. अब कुछ को थोड़ा सा मतलब अंदर से नर्वसनेस है. कुछ बच्चों को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं 15 से 20 दिन में क्या करूं. कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो अभी से हार मान रहे हैं कि यार यहाँ पास तक आप पहुँच चुके हो और आखिरी के 15 दिन में आप नर्वस हो के आपको हार महसूस कर रहे हो कि हमसे कुछ नहीं आ पा रहा है हम कुछ कर नहीं पा रहे. तो इस चीज़ के लिए पूरे अपन एक स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे. हर एक बच्चे का अपन डाउट क्लियर करते चलेंगे कि आपको अभी करना क्या है किस प्रकार से किस 15 से 20 दिन है अपने निकालने हैं है ना. चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपनी नर्वसनेस को अपन कैसे हटाएं. जो अपन एग्जाम टाइम नर्वस हो जाते हैं उस चीज़ को अपन कैसे हटाएं. तो देखो सबसे पहली बात होती है कि यार आपने पूरे साल मेहनत की है लास्ट 2 ईयर्स मेहनत की है लास्ट 3 ईयर्स मेहनत की है. मैं ड्रॉपर्स की बात करूँ तो है ना. तो आपकी जो इतनी मेहनत है जो भी मेहनत है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मेहनत नहीं करते फिर आप कहते हैं कि मेरा एग्जाम पास नहीं आ गया. मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ है ना. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनने मेहनत की है जो कि अपने जो गोल के प्रति हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पास उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आपने इतनी मेहनत की है तो आपकी मेहनत कहीं जाया नहीं जाए और ना ही आप यहाँ पास हम नर्वस हो गए अपनी मेहनत को जाया हो है ना. ये जो आपका टाइम है ये टाइम ऐसा है कि अब आप अगर अच्छे से स्टेप्स लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप धोखे से भी आपने नर्वस होके कुछ रॉन्ग स्टेप लेने की कोशिश की या फिर सफोकेट करने की कोशिश की खुद को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है बहुत डिप्रेशन में अब मैं चला गया हूँ जैसे ये नहीं आ रहा मेरे से वो नहीं आ रहा यार आपसे जितना आ रहा आप उतना तो करके आओ उतने में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा है ना. आपने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से आपको फल पक्के से मिलेगा. बस आपको जो है एग्जाम टाइम बिल्कुल नर्वस नहीं होना है. नर्वसनेस को अपन को दूर रखना है. ये जो एग्जाम है ये आपकी क्वालिफिकेशन तो चेक करती है आपने जितनी मेहनत की है वो तो चेक करती है पर इसमें मेन चेकिंग होती है कि आप खुद को एग्जाम टाइम संभाल कैसे पाते हैं. एग्जाम टाइम में नर्वसनेस होती है जो दिल अपने बहुत जोरों से धड़कता है और अपन कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं कि आप बहुत हड़बड़ा जाते हो. तो एक सीधे सीधे पार्ट पर चलना कि हाँ हमसे जो चीज़ आ रही है हमको उसको करना है. जो चीज़ नहीं आ रही है जो चीज़ लगता है कि हम थोड़ा ओके कर सकते हैं तो उसके लिए अपन को मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है. अपन ने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया एग्जाम के टाइम और जो नेक्स्ट थिंग है वो है अगर कोई चीज़ अपन से बनती नहीं तो अपन उसको छोड़ दिया है ना. देखो अब अपन बात करते हैं यार जो 15 से 20 दिन है इसमें हमको क्या करना है. एक गोल अपना टारगेट सेट कर लो कि हाँ मेरे को इतने मार्क्स बनाने हैं. ये तो मैं शुरू से कहता आया हूँ नियस्ते मैं उनको यही बताते आया हूँ कि आप एक गोल सेट करिए सबसे पहले कि 300 में से 150 बनाने हैं 300 में से 180 बनाने हैं मेरे को 200 बनाने हैं मेरे को 220 बनाने हैं. तो आप एक गोल सेट कीजिए उस गोल के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन डिसाइड कीजिए कि मेरे को इतने बनाने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं है ना. तो सपोज अपन मान के चले आपको 160 मार्क्स बनाने हैं 160 मार्क्स. अब इसके लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको अपने 32 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे है ना. 32 × 5 अपना 160 32 क्वेश्चन आपको सही सही सॉल्व करने हैं. आपके पास 90 क्वेश्चन है ना. तो ये 90 questions को आप 90 questions में से सिर्फ आपको 1/3 करना है अप्रॉक्स है ना. 1/3 मतलब 30 हो गया 1/3 और 2 questions ज्यादा ले लो 32 questions करने आपके 160 आराम से बन जाएंगे.
तो यहाँ पास आपको एक स्ट्रेटेजी लेके चलिए कि हाँ यार मेरे पास 90 क्वेश्चन है, उसमें से अपन को 1/3 क्वेश्चन करने हैं कि हाँ इसका 1/3 पार्ट अपन कर लें। तो अपन कह लें कि हाँ मैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लूँ, 11 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के कर लूँ और 11 क्वेश्चन मैं मैथ्स के कर लूँ। या तो फिर अगर आपको लगता है कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो मैं 15 फिजिक्स के कर लूँ, मैं अपने 10 केमिस्ट्री के कर लूँ और अपना जो मैथ्स है उसके मैं बाकी बचे कर लूँ, बाकी जितने भी 7 क्वेश्चन बचे हैं वो मैथ्स के कर लूँ। अच्छा, अब आपको लगता है यार कि मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, पर केमिस्ट्री में अपना ऐसा रखना है कि हाँ मैथ्स में आपने थोड़े कम क्वेश्चन किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री अपनी ऐसी रखनी कि हाँ मिनिमम अपन को 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के करने ही हैं, कि 10 क्वेश्चंस अपने पक्के से हो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो कि इजिली 45 मिनट्स में अपन पूरा कर सकते हैं और 45 मिनट में आपको अगर 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ 10 से 12 क्वेश्चन अपन पहले केमिस्ट्री कर रहे हैं। ये मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि अपन ने बात कर ली नर्वसनेस की, नर्वसनेस अपन कैसे लगाएंगे, नर्वस अपन को बिल्कुल नहीं होना है, अपन को इतना सोच के चलना है कि हाँ जितना मैंने प्रिपेयर किया है वो तो मेरे से आ गया है, कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, मेरा प्रिपेयर किया हुआ, तो वहाँ पास अपन उसको थोड़े टाइम के लिए लेट कर सकते हैं कि अपन उसको लास्ट में लेंगे। चलो अब मैं खुद से लेट करते करते सब कुछ आपको बताता हूँ कि लास्ट 15-20 डेज अपन ने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रखनी है और अपन को किस प्रकार से चलना है, सब कुछ काम करना है। तो ये चीज़ है कि यार आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक डायरेक्ट स्टेप लें, एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, अपन ऐसे नहीं, अपन स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते हैं, है ना, अपन के पास घर में भी सीढ़ियाँ हैं चलने के लिए, अपन सीधा चक के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में पहुंच जाते हैं ना। तो यहाँ पास आपको जितना भी आपका साल निकला है आपको हर रोज कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती होगी तब जाके आप ये एग्जाम निकाल पाते हो ना। यहाँ पास ये नहीं हो पाता कि आप साल भर कुछ नहीं पढ़े और अब दो चार दिन में आखिरी के 10 दिन में अच्छा अपन ने सब कुछ देख लिया पढ़ लिया और आ जाएगा, ये तो मतलब आप कह सकते हो कि असंभव है, है ना। तो बच्चे ऐसे होते हैं अब मतलब जो थोड़े से अलग हट के टाइप के होते हैं अपन, तो उनको वो बच्चे ऐसे होते हैं कि हम लास्ट एक मंथ में प्रिपेयर करके सब कुछ निकाल देंगे, है ना। पर वो बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का वो पैटर्न का नॉलेज होता है कि हाँ ये पैटर्न है इस प्रकार से आते हैं हम इस पर मेहनत करें, तो वो बच्चे थोड़े स्मार्ट स्टडी करके लाते हैं। स्मार्ट स्टडी तो अपन को मतलब ये स्टडी अगर अपन शुरू से करें तो अपना और अच्छा नॉलेज होता है। तो बेसिकली यहाँ पास अगर आखिरी से 15-20 दिन आपको स्ट्रेटेजी अगर लेके चलनी है तो मैंने जो स्ट्रेटेजी लगाई थी जिसके बेसिस पे मेरे आए थे 99.2% वो स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं इन आखिरी से 15-20 दिनों में लगभग मैंने 10 टेस्ट दे चुका था, है ना, 10 टेस्ट 10 मॉक टेस्ट जो अपना NTAF है उससे। ये मॉक टेस्ट ने क्या किया कि मतलब मेरी एक जो हैबिट थी बैठने की एग्जाम देने की 3 घंटे बैठने की, वो हैबिट को अच्छा बना दिया कि हाँ अब इस चीज़ का मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ और मैं 3 घंटे बैठ के एग्जाम दे। तो अपन को सबसे पहले एक हैबिट डालनी है कि हाँ 3 घंटे एक सेकंड अपनी एग्जाम की होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ बाद आपका एग्जाम जो है ये है, तो अब ये जो आपकी हैबिट डल जाएगी ना उस हैबिट की वजह से आप जब एग्जाम टाइम बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ या फिर अपने किसी मतलब अभी तो आप घर में बैठे हो, इंस्टीट्यूट में कोई नहीं बैठा कि कोई मतलब कोई कोचिंग वगैरह कर रहा हो, शाम टाइम क्या होगा आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने घर पर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, हम अपने घर पर बैठे बैठे हैं, मतलब आपका माहौल एकदम से आपका जो आजू बाजू का माहौल है वो तो जरूर चेंज होगा पर उस चेंज को आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपको उस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज़ आ जाती है कि इन 10 से 15 दिनों में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो देखो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी थी कि जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उनको मैंने इन लास्ट दिनों, क्योंकि मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग है तो इन लास्ट दिनों में थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दिया, वो भी बहुत कम अपन कह सकते हैं, इतना बिल्कुल भयंकर तरीके से ध्यान नहीं दिया, अपन ने थोड़ा बहुत उनके नोट्स देख लिए, थोड़े से नोट्स देखे बस, कुछ नहीं किया उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया अपने लास्ट दिनों में। ये मतलब आप पहले से अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो की बात कर रहा हूँ, मेरा वाला कहोगे कि भैया आपने ऐसा बता दिया कि लास्ट 15-20 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप मेरे को बाद में कहोगे अच्छे मार्क्स। कह रहा हूँ कि यार पिछले इतने 1-1.5 साल से मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस जो है यहाँ पास अब आखिरी के 15 दिन में मैं छोड़ चुका हूँ। क्यों छोड़ चुका हूँ? क्योंकि मेरी पहले की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, मेरी प्रैक्टिस जो है और रिवीजन है वो मेरे ये जो लास्ट के 10-15 डेज में एग्जाम दूंगा उससे हो जाएगा, उससे समझ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आपने एग्जाम दिया, 10 एग्जाम आपको देने हैं 15 दिन में, 10 एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अपने 10 दिन सेलेक्ट करो, उन 10 दिनों में आप 3-3 घंटे निकाल के एग्जाम दो, यू आर एन एस्पिरेंट, आपको इतना टाइम भी लगाना चाहिए। अब अगली चीज़ क्या हो जाती है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को जो भी हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं जो जिसमें हम कॉन्फिडेंट हैं उनको हमने लीड कर दिया कि हाँ ये हमसे बन जाएंगे, तो ये इनका रिवीजन हमारा टेस्ट के सहित हो जाएगा जो हम मॉक टेस्ट देंगे। नेक्स्ट, अब अगला जो अपने थोड़े बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है अपन से उनके कॉन्सेप्ट आते हैं तो इन टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करेंगे,
है ना, इन टॉपिक्स के हम PVQ जो अपन कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो अपन लगाए है ना। इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने दिए, उनको हमने लगाया। तो यहाँ पास जो है मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं वो थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। अब अगली चीज़ आपकी क्या आ जाती है, अगली चीज़ आपकी आ जाती है कि आप लास्ट 15-20 डेज में जो आपके बहुत वीक टॉपिक हैं उनका क्या करें। तो यार आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि हम लास्ट 15-20 दिन इन वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दें। ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दें, क्योंकि आप इतने पूरे साल से उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे पर यहाँ पास आपके वो क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए। अगर मतलब ये जो है टॉपिक्स आपके कवर नहीं हो पाए, अब ये टॉपिक अगर आपके कवर अच्छे से नहीं हो पाए तो आखिरी के 15 दिन में अपन उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, जो अपने ये 15-20 दिन है उसमें अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वीक टॉपिक अगर अपन ने किया और बाई चांस वो फिर से कवर नहीं हो पाया तो अपने टाइम वेस्ट किया। अपन को कुछ ऐसा करना है इन 15-20 दिन जिनका आउटपुट बहुत अच्छा निकले। मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर अपन इसमें 100% एफर्ट लगा रहे हैं तो अपना जो 80% है वो आउटपुट निकलना चाहिए। इस प्रकार के अपन को प्रिपरेशन करनी। तो आप अगर आप 90% आए थे, आपको 95+ कर दें, कुछ नहीं करना, 180 मार्क्स आपको लगाने लगभग 180-200 के बीच में आप ले आओ, आपके आराम से 95 के करीब आ जाएंगे। अब ये चीज़ कैसे कर पाओगे आप कि आप 180 करीब ले पाओ, तो यहाँ पास आपको सिर्फ 45% सिलेक्ट करने हैं, मतलब हाफ ऑफ दी एग्जाम पेपर आपको सिर्फ हाफ है, 90 में से सिर्फ आपको 45 क्वेश्चन करने हैं और आपके 180 मार्क्स पक्के हैं। फिर बना सकते हो कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है उसमें मैं बहुत अच्छा कर लूँ, मेरा जो उससे थोड़ा कम नीचे आता टॉपिक है उसमें मैं क्वेश्चन थोड़े मतलब अपने फेवरेट टॉपिक से कम करूँ, और फिर सबसे लास्ट में अपना जो आ जाता है वो अपना सबसे वीक टॉपिक है, जो अपना सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो वीक सब्जेक्ट है अपन उसको रोकेंगे। अब अपन बात करते हैं एग्जाम, ये जो 15-30 दिन बाद अपना एग्जाम है तो उस एग्जाम के लिए अपन मतलब रोज कितने घंटे अपन को पढ़ना है, कितने घंटे अपन को देने हैं, है ना। ये जो अपने 15-20 दिन एग्जाम, 15-20 दिन बाद जो अपने एग्जाम होने वाले हैं उसमें अपन को कितने घंटे देने हैं, अपन को ये बात करनी है। चलो आप रोज जो है ना सिर्फ एक गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो रोज का कि हाँ रोज मेरे को इतने से इतने टॉपिक कवर करने हैं। अपने हिसाब से आप किसी को 160 मार्क्स चाहिए, 160 मार्क्स चाहिए या 150 मार्क्स चाहिए, तो 150 मार्क्स मतलब आपका हो गया लगभग 30 क्वेश्चन, मतलब 1/3 ऑफ द सिलेबस, 1/3 ऑफ द सिलेबस आपके टोटल 90 चैप्टर्स हैं, आप अगर मान के चलो है ना, 30 फिजिक्स, 30 मैथ्स, 30 आपके केमिस्ट्री, तो यहाँ पास आप 10 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के या फिर अपने हिसाब से चैप्टर्स को आप समझ सकते हो कि हाँ ये चैप्टर्स कम कर लें, तो आप अपने 30 चैप्टर्स को संभाल के रखो अपने पास कि हाँ ये 30 चैप्टर्स अपन को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब अगले 15 दिनों में रोज 2-2 चैप्टर के आपको रिविजन करने हैं, वो रोज 2-2 चैप्टर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो कि हाँ आज मैंने इंटीग्रेशन और अपना डिफरेंशिएशन ये दो टॉपिक जो है इनको अपन ने फोड़ के रख दिया। नेक्स्ट डे अपन ने AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये सब अपन ने एरिया अंडर द कर्व वगैरह अपन ने कर लिया। उसके नेक्स्ट डे अपन ने फिजिक्स उठा ली, फिजिक्स का अपन ने मोशन तो एक ईजी चैप्टर है, ये अपन ने मोशन कर दिया और साथ साथ 2 चैप्टर और लगा लिया क्योंकि मोशन ईजी है। यहाँ पास आपको आपकी जो है मेहनत करना है, आपको मेन चीज़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लाइफ का कोई भी मोड़ हो आपको मेहनत से पौधे है ना। ये जो है अभी नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी मेहनत कर लूँ और बाद में मेहनत करना छोड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा मेरे कोई को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, IIT मिल जाएगा, NIT मिल जाएगा तो मेरी लाइफ सेट है। अपन को ये सोच के नहीं चलना, अपन को इसके बाद भी मेहनत करनी है। आपके पास 24 आवर्स है, उसमें से आप मान लो कि आप 7-8 आवर्स सोच लो, चलो 6-8 आवर्स हम मैक्सिमम ले रहे हैं आप सोचते हो, बचे आपके पास कितने 24 में से आ गए 16-16 आवर्स आपके पास बचे, ठीक है। घंटे आप कुछ भी करते हो, खाना इतने 17-18 दिन है जितने भी दिन हैं लास्ट के, इसमें अपन को रोज कुछ मतलब ज़्यादा थोड़ी सी स्टडी जरूर करनी है पर इतनी भी नहीं कि आपको मतलब जितनी अपन पहले है ना। आप रोज का अगर देखो, आप अगर रोज 8 आवर्स या फिर 10 आवर्स स्टडी करते हो तो यहाँ पास आपको 6 आवर्स से ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, तो आपको 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे रोज निकालने हैं इन 15 दिनों में, और उसमें अपना रिविजन लेके चलना है कि हाँ मैं रिवाइज करते चलूँ रिवाइज करते चलूँ, एक बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। मैंने भी आखिर में रिवाइज किया था प्रैक्टिस वगैरह क्योंकि मेरी पहले से थी तो मैंने ज़्यादा नहीं की, अब आपको लगता है यहाँ पास इस टाइम भी आपको प्रैक्टिस लग रही है तो हाँ आप कुछ क्वेश्चन देखिए उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी वो ज़्यादा सही।
वीडियो समझ आया होगा, मतलब क्लियर हुआ होगा जो भी शर्मा जी के लड़के ने बताया, मतलब जतिन शर्मा ने बताया। एपिसोड 2 हमने डाल चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट का लिंक, पहला एपिसोड जो था, एपिसोड नहीं बोलना चाहिए, जो पहला वीडियो था वो भी आप देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने बहुत से डाउट्स को लिए थे। और यह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, कमेंट्स में शर्मा जी की बातें अच्छी लगी हो, शर्मा जी बहुत बोल रहा हूँ, जतिन शर्मा की बात अच्छी लगी हो तो क्या करना है, शर्मा जी ओपी लिख देना, शर्मा जी का लड़का लिख देना, बहुत हो जाएगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना वीडियो ज्यादा से ज्यादा, अब सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, बाकी तो सभी चीज में चंगा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।